हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इरेशनल नंबर जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, इनको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, मींस हमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि जो रेशनल नंबर होते हैं 1/2, 1/3, ओके, 1/4, 3/7, 3/6 या 5/7, 9/7, इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हमने देख लिया है रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में क्या रहते हैं, रियल नंबर्स रहते हैं। और रियल नंबर किसके किसके बीच में रहते हैं, रियल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमने इससे पहले देखा है कि रैशनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 0.5, 0.25, 0.65, ओके, इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मालूम है। अब इरेशनल नंबर जो है उसको भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि नंबर लाइन रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों होता है। तो रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो हमको ये देखना है कि इरेशनल नंबर जैसे रूट टू इरेशनल है, रूट थ्री इरेशनल है, रूट फाइव इरेशनल नंबर है, तो इनको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। रूट टू, रूट टू को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ओके। नंबर लाइन में रूट टू को अपन को रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन जो होती है एक्चुअली क्या होती है, नंबर लाइन जो रहती है, दिस इज नंबर लाइन, से दिस इज 0, 1, 2 and so on, दिस साइड -1 and so on। नंबर लाइन में रियल नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन में क्या होते हैं, रियल नंबर्स। आप लोग याद रखोगे कि नंबर लाइन में होते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। याद रखेंगे, नंबर लाइन में रियल नंबर रहते हैं, और रियल नंबर मतलब रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर मतलब रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, ओके। तो रैशनल नंबर मीन्स अपन देख चुके हैं 1, 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब इरेशनल नंबर भी इसमें रहते हैं, जैसे रूट टू, तो रूट टू कहां पे है, रूट टू कहां पे है ये अपन को जानना है। ठीक है, समझ में आया, मैं तुमको बताना है कि रूट टू ये होगा कि ये होगा कि बीच में होगा, कहां पे होगा रूट टू, ओके। रूट टू अपन को रिप्रेजेंट करना है, रूट टू यहां से यहां तक कितना बड़ा रूट टू है ये अपन को जानना है। अगर बोलते हैं 1.5 को रिप्रेजेंट करो, 1.5, तो तुम लोग जानते हो इसको अपन 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए और जो बीच वाला पार्ट है 1.5 हो जाता है ना, ये अपन कर चुके हैं रैशनल। अब इरेशनल नंबर मींस रूट टू को, रूट टू इसमें है तो कहां पे है, उसके लिए एक यहां पे देखो अलग चीज है। देखो अपन को रूट टू रिप्रेजेंट करना है, यहां पे अलग समझो, एक अपन बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखो से अपन ने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे, और इसको लिए 1 और इसको लिए 1, तो इसकी लेंथ क्या होगी, समझ रहे हो। अपन ने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसमें P को लिए अपन, P इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर 1 और बेस 1, तो हाइपोटेनियस क्या आएगा। ठीक है, अपन फार्मूला जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी क्या है, 1 का स्क्वायर, और बी क्या है, बी भी 1 का स्क्वायर है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, ये 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, मीन्स 1 प्लस 1 2, एच स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एच इक्वल टू रूट टू। ओके, रूट टू मीन्स ये क्या आ गया, ये आ गया रूट टू। ये समझ गए, मीन्स ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये क्या है रूट टू, यहां से यहां तक क्या है रूट टू, मीन्स ये जो लेंथ है ये रूट टू है, इतनी बड़ी लेंथ रूट टू है। ये अपन को रूट टू समझ में आ गया, इसी का अपन यूज करेंगे इसमें, इस रूट टू को यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो स्टेप वन क्या करते हैं अपन, ओ ए एक ट्रायंगल बनाते हैं अपन, ये जीरो है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और इसमें एक बी सी बना दिए, बी सी इसको भी ले लिए वन। ठीक है, अपन क्या किए, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी एज गिवन इन फिगर, क्या लिखोगे, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी एज गिवन इन फिगर। ठीक है, जहां पे ए पॉइंट ए लाइज ऑन जीरो, ए कहां पे है जीरो में है, पॉइंट ए लाइज ऑन जीरो, ए बी इक्वल टू वन, माने ये क्या हो गया वन, ये बी ये हो गया ए बी इक्वल टू वन एंड बी सी इक्वल टू वन। समझ में आ गया, ए बी इक्वल टू वन और बी सी इक्वल टू वन, ये मैंने बताया है, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया। अब अगर अपन ए सी को ज्वाइन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, रूट टू को डिफाइन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टेक बी पॉइंट बी सच दैट ए बी इक्वल टू वन यूनिट, बोल सकते हैं इसको वन यूनिट, ए बी कितना हुआ वन यूनिट एंड बी सी इक्वल टू वन, ड्रॉ बी सी इक्वल टू वन, ड्रॉ परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बी सी इक्वल टू वन। ठीक है, और ज्वाइन ओ सी, इसके बाद अपन क्या किए, ज्वाइन ओ सी, ज्वाइन ओ सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ज्वाइन ओ सी। अब देखो सेम इस चीज को यहां लिख दें, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां लिख देंगे हम इसके बाद ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पे देखो ए बी स्क्वायर मीन्स ओ सी स्क्वायर इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मीन्स वन प्लस वन क्या हो गया टू, ओ सी स्क्वायर ओ सी इक्वल टू रूट टू, या गया ओ सी कितना आ गया रूट टू। ओके, अब देखो अपन क्या करेंगे, टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर लेंगे और ओ सी एज रेडियस, ऐसे अपन अब राउंडर ले रहे हैं, राउंडर क्या करोगे तुम लोग, राउंडर का पॉइंट जो है ए में रखोगे, ओ में रखोगे, या यहां पे ए में रखेंगे और सी रेडियस करके ऐसे ऐसे अपन एक आर्क काटेंगे, जो आर्क ऐसे काटती है, समझ में आया, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया सी डैश, सी है तो सी डैश, ये रूट टू है तो ये रूट टू हो गया। मीन्स इसके बाद अपन नेक्स्ट क्या करेंगे कि थ्री हो गया, फोर्थ पॉइंट अपन कैसे लिखेंगे, देखो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट टेकिंग ये ए है, ए एज सेंटर,
taking A as center, comma, draw an arc of radius कितनी AC, एक आर्क के और जो इंटरसेक्ट करती है लंबर लाइन को सी डैस पर, दैट इंटरसेक्ट्स लंबर लाइन एट सी डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है सी डैश में, तो ये कितना हुआ ए सी डैश रूट टू, क्योंकि ये रूट टू है तो ये भी रूट टू होगा, तो ए सी डैश इक्वल टू रूट टू, सो सी डैश इज द डिजायर्ड पॉइंट ओके 1, 2, 3 and 4, ये 4 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, मीन्स इससे ये अपन को समझ में आ गया कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी हो गई रूट टू, मीन्स हमने रूट टू को डिफाइन कर दिया, यहां पे अपन लिख सकते हैं रूट टू, समझ में आया, मीन्स अपन क्या किए पहले इसको 1 लिए, ये 0 है, ये 1 और ये 1, तो 1 और 1, फिर ये ट्रायंगल बना दिए, तो बेस और परपेंडिकुलर 1 1 हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर 2 आया, एच रूट 2, ये रूट 2 है, तो अगर यहां से अपन राउंडर को ऐसे लग के करेंगे, ऐसे कट करेंगे, ये रूट 2 है, तो ये भी क्या होगा रूट 2, टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ ए सी रेडियस दैट इंटरसेप्ट नंबर लाइन एट सी डैश, तो सी डैश रूट 2 हो गया, समझ में आ गया, हमने रूट 2 को डिफाइन कर लिया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है समझ में आ गया रूट 2 है ना, चलो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे, एंड इसको राइट डाउन कर लो प्रॉपरली, ओके पॉज द वीडियो एंड आई विल राइट डाउन दिस वन, ओके देखो रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन, मीन्स हमको रूट 3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था आपको रूट टू को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, अब किसको करना है रूट 3 को, तो मेन रूट 2 या रूट 3 जिसको भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, अपन को यह सोचना है कि उतनी लेंथ की लाइन कैसे बनाए, ठीक है, उस लेंथ की लाइन बनाना सोचो, और जो लाइन बन जाएगी उस लाइन को कट करेंगे, हमारा सेंस होना चाहिए कि उतनी लेंथ की लाइन बनाना, ठीक है, तो रूट 3 को भी जब आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले रूट 2 बनाना पड़ता है और रूट 2 के बाद फिर रूट 3 बनाते हैं, ठीक है, मींस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको रूट 3 रिप्रेजेंट करना है तो पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा, फिर से मैं आपको रूट 2 सिखाऊंगा और रूट 2 से फिर रूट 3 बनता है, ठीक है, रूट 2 के बाद रूट 3 बनता है, देखो जैसे रूट 3 बनाना है अपन रिवाइज कर रहे हैं कि रूट 2 बनाने के लिए अपन ने क्या किया था, रूट 2 बनाने के लिए क्या किया था कि पहले एक लाइन ऐसा खींचे थे जो 1 थी, यहां पे देखते हैं उसी से आगे बढ़ेंगे, करना एक्चुअली अपन को वही वर्क है, यहां पे देखो ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, दिस इज 0, 1, 2, 3 and so on, ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इसको लिया पॉइंट ए, इसको लिया पॉइंट बी, सच दैट ए बी इक्वल टू 1, समझ में आया, बहुत ध्यान से समझो बच्चों, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरा समझ में आएगा, ठीक है, कोशिश करो समझने की, रूट 3 अपन को इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए अपन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, रूट 2 को पहले करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही रूट 3 होगा, ए बी ले लिए अपन 1 और इसमें एक परपेंडिकुलर खींच दिए से सी, ये भी 1, ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ
कि ये वन है और ये वन है, तो ए सी कितना होगा? ये पहले को जानना होगा कि ये वन है और ये वन है, तो ए सी क्या होगा? देखो अपन जानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मींस ये फार्मूला है, ये पी है, ये क्या है पी, ये बेस, ये क्या हो जाएगा एच। अपन यहां रफ में देखते हैं एच स्क्वायर मींस ए सी स्क्वायर, एच मींस ए सी, ठीक है, ए सी का स्क्वायर क्या होगा परपेंडिकुलर मींस बी सी का स्क्वायर प्लस बेस मींस ए बी स्क्वायर। बी सी कितना है वन, वन का स्क्वायर वन, और ए बी बेस कितना है वन, इसका वन का स्क्वायर वन, तो वन प्लस वन कितना हो गया टू, ए सी स्क्वायर इक्वल टू टू, ओके, ए सी स्क्वायर टू है, तो ए सी केवल ए सी क्या होगा, ए सी स्क्वायर क्या है टू, तो ए सी इक्वल टू रूट टू, यह आ गया रूट टू, ओके, ये क्या गया रूट टू, ठीक है। अब अपन को ये समझ में आ गया रूट टू, अगर अपन क्या करते हैं कि यहां पे राउंडर का पॉइंट रखते हैं और ये रेडियस लेते हैं, तो ये कितना है रूट टू, ठीक है, यहां से यहां तक रूट टू है, मीन्स ये कितना हो गया रूट टू, अगर अपन इसको ऐसे काटेंगे तो ये कितना होगा, ये भी रूट टू, क्योंकि जब ये डिस्टेंस रूट टू है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा रूट टू। तो अपन क्या करते हैं कि ए में पॉइंट रखते हैं राउंडर का और ए सी रेडियस लेते हैं, मतलब ये आ गया रूट टू रेडियस, और उसी रेडियस ऐसे काटेंगे तो ये भी क्या होगा रूट टू। अपन यहां से ऐसे लिए और ऐसे कट कर दिए, इन दिस वे, ओके, तो ये अपना आ जाएगा रूट टू। ये पॉइंट अपन मान लिए पी, मान लो इस पॉइंट को कोई भी पॉइंट मान सकते हैं पी, और ये पी क्या आ गया रूट टू, ये पॉइंट हो गया रूट टू, ये डिस्टेंस रूट टू, ये डिस्टेंस वन है, ये डिस्टेंस रूट टू, ठीक है। अभी हमने पॉइंट पी क्या किया, यहां पे पॉइंट पी रिप्रेजेंट किया, ये क्या है रूट टू। आप लोगों को समझ में आ गया रूट टू करना, ओके, अच्छा ये रूट टू है, मैंने पहले आपको रूट टू को रिप्रेजेंट करना बताया है ना, उसी को सेम टू सेम उतार लोगे। अब अपन एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये इतने ही वर्क हो गया, अब हम करना है रूट थ्री, किसको करना है रूट थ्री, तो रूट थ्री को करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, फिर से देखो कि रूट टू आ गया, अब अपन को कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो रूट थ्री हो और ऐसे काटे यहां पर रूट थ्री कट जाए, ठीक है। तो रूट थ्री, ये जो रूट टू आ रहा है ना, ये कहीं से रूट थ्री हमको मिल जाए, तो हम ऐसे काटेंगे तो ये रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, यहां से अगर रूट थ्री मिल जाए तो हम ऐसे काटेंगे तो रूट थ्री हो जाएगा। अब देखो ए पी कितना है रूट टू, फिर से समझना, ए पी क्या है रूट टू, यहां पे रफ वर्क में देखो, ये हमने पी डिनोट कर दिया है ए पी, सेम इस चीज को मैं उठा के यहां पे रखा हूं जिससे आपको समझ में आए, ए पी क्या आया है रूट टू, ये अपना आया है रूट टू, ठीक है। अगर पी से मैं परपेंडिकुलर खींचू, मतलब यहां से ऐसे अगर परपेंडिकुलर खींचू कितने का वन का, केवल वन का, ठीक है। अब बताओ इसको मान लिए अपन ए बी सी डी मान लिए, समझ गए इस बात को, अपन क्या किए बिल्कुल ध्यान से समझो, कहीं भी तरफ नहीं है, बहुत इजी है अगर समझोगे तो, कोशिश करोगे तो। ए पी हमने बनाया है, ए पी कितना बनाया है रूट टू, ये देखो ये रूट टू, यहां पे कोई डाउट नहीं है। अब हम कंस्ट्रक्शन मन से क्या करते हैं, एक यहां पे कैसे परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ये परपेंडिकुलर कितना खींचते हैं वन, अपन परपेंडिकुलर पी डी खींचे, पी डी वन, समझ गए। और
ए डी को अपन ज्वाइन कर देते हैं, ए डी को ज्वाइन कर देते हैं। अब इस ट्रायंगल में बताओ ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एच स्क्वायर मीन इसका स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस ट्रायंगल में अपन देखें एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स ये एच माने ए डी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, माने वन का स्क्वायर क्या हुआ? वन पी स्क्वायर प्लस बी कितना है? बी रूट टू है, तो रूट टू बेस स्क्वायर। ये समझ में आ गया? इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर वन का स्क्वायर और बी स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। अच्छा वन का स्क्वायर क्या होता है? वन का स्क्वायर वन प्लस रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर बनेगा रूट टू इंटू रूट टू बने टू, वन प्लस टू, वन प्लस टू क्या गया थ्री, ये क्या आया एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मीन्स ये एच है, ये एच एच स्क्वायर ए डी, एच स्क्वायर क्या आया थ्री, तो एच क्या आ जाएगा रूट थ्री, एच रूट थ्री मीन्स ये आ गया रूट थ्री। समझ में आया? सेम थिंग अपन यहां पर रख लेते हैं, ये P है, ये D मान लिए अपन D, तो अब अपन ज्वाइन किए ए डी को, ज्वाइन किए ए डी को ज्वाइन किए, ये यहां से यहां तक रूट टू है और ये वन है, तो ये जो बनेगा ये बनेगा रूट थ्री। यहां पे मैंने बताया ये वन है और ये रूट टू है, तो रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन, टू प्लस वन थ्री, एच स्क्वायर को रूट थ्री, एच इक्वल टू रूट थ्री, ठीक है, तो ये आ गया रूट थ्री। अब बताओ ये क्या आ गया रूट थ्री। अगर अपन ए डी ऐसे करते करें, मतलब ए में क्या रखेंगे राउंडर का पॉइंट और डी ए, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी रूट थ्री, ये क्या होगी रूट थ्री, और इसी रूट थ्री से ऐसे करके काट देंगे, यहां से ऐसे लिए ऐसे करके ये ऐसे कट किए, ये जो कटेगा है ना ये भी क्या हो गया रूट थ्री। तो इस पॉइंट को अगर अपन क्यू दे दें, इस पॉइंट को क्यू दे दें, तो क्यू जो है ये रूट थ्री और ये भी रूट थ्री होगा, क्यू हो जाएगा रूट थ्री, मीन्स हमने नंबर लाइन में रूट टू को भी रिप्रेजेंट कर दिया, रूट थ्री को भी रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए अपन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। अपन लिखेंगे इसके लिए कि यहां से रूट टू को पहले रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, पहला स्टेप शॉर्ट लिखते हैं, ए बी टेक ए बी इक्वल टू वन यूनिट, फर्स्ट स्टेप ए बी वन ले लिए, एंड बी सी, एंड बी सी इक्वल टू वन यूनिट, जहां पे बी सी क्या है परपेंडिकुलर है, वेयर बी सी इज परपेंडिकुलर, जहां पे बी सी क्या है बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन नंबर लाइन, वेयर बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये फिर ए बी और बी सी ले लिए, अब क्या किए कि ए सी के रेडियस इक्वल टू काट दिए ए पी, शॉर्ट में लिख रहे हैं कट आर्क ए पी, कट आर्क ए पी इक्वल टू रेडियस, रेडियस क्या होना चाहिए रेडियस ए सी, पुराना ए सी इक्वल टू रूट टू, मीन्स पी क्या आ गया पी इज रूट टू, अपना पी आ गया रूट टू, इट मीन्स यहां पर लिख देंगे पी इक्वल टू रूट टू,
मीन्स ये पिछला था जो हमने रूट टू को यहां पे रिप्रेजेंट किया था। अब टू के बाद हमको क्या करना है, पीडी फिर से अब नया लेना है, ये रूट टू हो गया, पीडी इक्वल टू वन, टेक पीडी परपेंडिकुलर ऑन नंबर लाइन, है ना, नंबर लाइन में परपेंडिकुलर रहेगा और पीडी इक्वल टू वन, पीडी वन ले लिए, ठीक है। तो अब अपन यहां लिखते हैं, सीधा सीधा लिख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से ये एडी, पाइथागोरस थ्योरम से एडी स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, एपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर मीन्स एडी स्क्वायर इक्वल टू एपी मीन्स रूट टू स्क्वायर प्लस पीडी मीन्स वन स्क्वायर दैट इज टू प्लस वन एडी स्क्वायर। इससे अपन ऐसे करके लिखेंगे एडी इक्वल टू रूट थ्री, ठीक है, एडी इक्वल टू रूट थ्री, एडी क्या आया रूट थ्री। मैं एक बार अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अपन रिटर्न वर्क कर रहे हैं, ठीक है, फिर से वीडियो को दोबारा देखो ये रूट थ्री क्यों आया, ठीक है, मीन्स अभी कंफ्यूज हो रहे हो फिर से रिवाइज करो, पूरा वीडियो देखो, पिछला वीडियो देखो, ठीक है, देखोगे तब समझ में आएगा एडी रूट थ्री आया। अब अपन ऐसा लेके कट कर देते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे, लुक हियर, इसको कट करना है अपन को, ठीक है, अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप जो लेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये अपन कट कर चुके हैं, रूट थ्री आ गया है, टेकिंग ए एज सेंटर एंड एडी एज रेडियस, फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट लिखना है, टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर लिए एंड एडी एज रेडियस कॉमा, इसको सेंटर लिए और ये रेडियस लिए, कट आर्क काट रहे हैं दैट इंटरसेक्ट्स नंबर लाइन एट क्यू, तो जो क्यू है वो रूट थ्री को डिनोट करेगा, क्यू डिनोट्स रूट थ्री, यहां लिख देंगे क्यू रिप्रेजेंट्स रूट थ्री, ओके, क्योंकि एडी रूट थ्री है तो ऐसे कट करेंगे तो क्यू भी रूट थ्री होगा, रूट थ्री हमने रिप्रेजेंट कर लिया, रूट टू और रूट थ्री रिप्रेजेंट करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करो। इसके बाद रूट फोर तो टू होता है, रूट फोर अगर कोई मिलेगा रिप्रेजेंट करने तो क्या होगा, रूट फोर मीन्स टू, तो वन टू तो इजिली कर लेंगे, रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना, रूट सिक्स को, रूट सेवन को रिप्रेजेंट करना, ये अपन थोड़ा सा इसका थ्योरी देखेंगे, बहुत इजिली हो जाता है, ठीक है, इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लो और प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। रिप्रेजेंट माइनस रूट फाइव ऑन नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन में अपन को माइनस रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना है, तो अपन को सबसे पहले ऐसा कंसंट्रेट करो, रफ में ऐसा सोचो, जस्ट कोई भी नंबर तुमको रिप्रेजेंट करना है तो रफ वर्क, पहले अपन ये सोचते हैं कि रूट फाइव की अपन लाइन कैसे बनाए, रूट फाइव की लाइन कैसे बनाए, मीन्स ये कुछ है और ये कुछ है, तो ये आना चाहिए रूट फाइव, ये क्या चाहिए रूट फाइव, ये रूट फाइव कैसे आएगा, बस ये अपन को सोचना है, रूट फाइव ले आएंगे तो उसको ऐसे करके कट करके अपन बना सकते हैं, तो अपन कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर इसको कर दे टू टू जा फोर,
और वन वन जा वन। नाउ लुक हियर, अगर ये हो टू, बेस टू और परपेंडिकुलर वन, ठीक है, तो टू टू जा फोर, स्क्वायर अगर बोलते हैं तो हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर प्लस बी, बेस का स्क्वायर मीन्स टू का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन हो गया और टू का स्क्वायर क्या हो गया फोर, वन प्लस फोर दैट इज फाइव। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एच स्क्वायर इक्वल टू फाइव, एच स्क्वायर इक्वल टू फाइव मीन्स एच हाइपोटेनियस एच क्या हो जाएगा रूट फाइव, मीन्स हमने रूट फाइव बना लिया। अगर रूट फाइव ये बना लिया तो इसको कट करेंगे तो क्या जाएगा, रूट फाइव को कट करने से ये रूट फाइव आ गया तो जो लेंथ है नंबर लाइन में वो रूट फाइव आ जाएगी, ठीक है। अपन को रिप्रेजेंट क्या करना है, माइनस रूट फाइव, माइनस रूट फाइव सेम है, राइट साइड करोगे तो प्लस रूट फाइव, माइनस साइड करोगे तो माइनस रूट फाइव, अपन को माइनस करना है नंबर लाइन में, तो नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में अपन चलेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं अपन, मीन्स पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं, एक अपन बना लिए ऐसा, दिस इज जीरो वन टू थ्री, ओके। मीन्स अपन क्या करेंगे, ये जो हम ट्रायंगल बनेगा इसमें ये टू रहेगा और ये वन रहेगा। लुक हियर, दिस इज टू दिस इज वन, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ये क्या गया वन टू, ये टू है, बेस अगर टू है और परपेंडिकुलर कितना है वन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर और वन का स्क्वायर वन फाइव, फोर प्लस वन फाइव, ये आ जाएगा रूट फाइव। ये अपन को समझना है इससे, ठीक है। अब ये रूट फाइव आया तो यहां से अपन क्या करेंगे, सी ए सी रूट फाइव है ये, ऐसे करके कट करेंगे यहां से ऐसे, तो ये पॉइंट पी इक्वल क्या आ जाएगा रूट फाइव, इस पॉइंट को बोलेंगे रूट फाइव क्योंकि ये रूट फाइव है तो ये भी रूट फाइव, और माइनस में क्योंकि ये माइनस वन है ये माइनस टू है तो डिस्टेंस टू है, ठीक है। अपन लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। स्टेप वन, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, टेक पॉइंट बी इक्वल टू माइनस टू, ओके, टेक पॉइंट बी ऑन माइनस टू। अपन क्या किए, टेक ए को कहां लेंगे, ए को इसको बोलते हैं जीरो जीरो जो रहता है ना, जो नंबर लाइन का जीरो रहता है उसमें ए लेंगे, टेक ए ऑन जीरो ऑफ नंबर लाइन, नंबर लाइन के जीरो में ले लिए, एंड बी, एंड बी कहां पे लेंगे, बी ऑन माइनस टू ऑफ नंबर लाइन, ठीक है, माइनस टू में ले लिए, मीन्स ए बी इक्वल टू एक्चुअली डिस्टेंस इसकी टू है, ठीक है। ड्रॉ बी सी परपेंडिकुलर ऑन नंबर लाइन। स्टेप टू क्या किए अपन, ड्रॉ बी सी इक्वल टू वन परपेंडिकुलर ऑन नंबर लाइन, परपेंडिकुलर ऑन लाइन, ओनली ऑन लाइन लिख देते हैं, ऑन लाइन, ओके। ज्वाइन ए सी, और क्या किए, ज्वाइन
एसी, एसी को ज्वाइन कर दीजिए। ट्रायंगल एबीसी में देखो, है ना, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एसी स्क्वायर इक्वल टू, एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी मीन्स टू का स्क्वायर प्लस बी सी मीन्स वन का स्क्वायर। ये टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर प्लस वन मतलब फाइव, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए सी इक्वल टू रूट फाइव, ठीक है, ए सी अपना रूट फाइव आ गया, पहला स्टेप हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ये रूट फाइव मिल गया, इसको ऐसा लेके कट कर देंगे, पी डैश पॉइंट आ जाएगा। फिफ्थ स्टेप अपन को लिखना है, फिफ्थ स्टेप पर लिखेंगे टेकिंग ए सेंटर ड्रा आर ऑफ रेडियस ए सी। फिफ्थ स्टेप टेकिंग ए एज सेंटर ड्रा आर्क ऑफ रेडियस ए सी, ए सी रेडियस की आर्क काटे जो नंबर लाइन को पी डैश में काटती है, दैट इंटरसेक्ट, दैट इंटरसेक्ट्स लाइन, नंबर लाइन लिख देते हैं, नंबर लाइन ऑन पी डैश, पी डैश में काटती है, तो पी डैश रिप्रेजेंट रूट फाइव अपना आ गया, पी डैश रिप्रेजेंट्स रूट माइनस रूट फाइव, इट रिप्रेजेंट्स माइनस रूट फाइव, डन, ठीक है। तो ये माइनस रूट फाइव को रिप्रेजेंट करेगा, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनस रूट फाइव और नंबर लाइन। ओके, नंबर्स हैं, इनमें अपन को रैशनल और इरेशनल नंबर पहचानना है, ठीक है, विच आर रैशनल नंबर एंड विच आर इरेशनल नंबर, देखते हैं अपन। जो रूट के फॉर्म में रहते हैं, प्योर रूट के फॉर्म में, जो रूट से नहीं हटा सकते वो इरेशनल नंबर है। तो अपन पहले देखते हैं रूट 81, ये रूट के फॉर्म में है कि इसको अपन रूट के फॉर्म से हटा सकते हैं, इंटीजर या रैशनल फॉर्म में, पी अपॉन क्यू। 81 क्या होता है, इसके लिए बेस्ट वे है कि 81 को क्या करो, उसको उसको अपन ऐसे डिवाइड करके देखते हैं, जैसे 81 है, 81 को डिवाइड करो, 8 प्लस 1 9 मींस 3 से डिवाइड जाएगा, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर 3, 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 3 3, 4 टाइम्स 3 आया, ये क्या आया, 4 टाइम्स 3 आया, 4 टाइम्स 3 आया, ठीक है। देखो रूट 81 क्या आया, रूट 81 फर्स्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं, रूट 81 इक्वल टू 3 टाइम्स नहीं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया, है ना, क्या आया ये 1 2 3 एंड 4, ये पेयर निकालते हैं, ये पेयर और ये पेयर निकाले, मींस 3 इंटू 3, इससे पेयर से एक 3 आ गया और इस पेयर से एक 3 आ गया, 3 3 जा 9 मींस क्या आ गया 9, इसको अपन सॉल्व कर रहे थे, रूट 81 इक्वल टू 9, ये सॉल्व करना तुम लोग को आता है, 9 9 जा 81, तो रूट 81 इक्वल टू 9, ये रूट के फॉर्म से अपन हटा दिए, इसलिए रैशनल नंबर है, ये रैशनल है, जिसको रूट में लिखते हैं वही इरेशनल होता है, तो ये रैशनल, हम इसमें लिख देते हैं आर फॉर रैशनल, तुम लोग पहचान जाओगे कि ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है, आर फॉर रैशनल नंबर, यहां भी लिख देते हैं आर, आर फॉर रैशनल नंबर एंड आई आर, आई आर फॉर
इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसको अपन 9 लिख दिए, इसका रूट हट गया। सेकंड देखो 625, सेकंड है 625 रूट, रूट ओवर 625। तो 625 को अगर अपन चेक करते हैं, किसको 625 को, तो ये भी सेम है, मींस इसको भी अपन कर सकते हैं। 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 125, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5, 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। फाइव 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 फोर टाइम्स आ रहा है, 625 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है फोर टाइम्स, 1 2 3 4, मीन्स डबल 5 अपन ले लिए और ये हो गया 25 25 into 25 625, रूट 625 इक्वल टू 25। सो दिस इज आल्सो रैशनल नंबर, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर। थर्ड रूट 11, थर्ड रूट 11, तो रूट 11 को अपन कुछ नहीं कर सकते, रूट 11 का रूट नहीं हटा सकते, इसलिए जो रूट 11 है वो इरेशनल नंबर है। रूट 11 क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका रूट नहीं हट सकता है। नेक्स्ट फोर्थ देखो, थर्ड हो गया फोर्थ, फोर्थ का सॉल्यूशन देखो, माइनस में 81/25, माइनस 81/25, 9 9 जा 81, डायरेक्ट देखो 81 का रूट क्या होता है, 9 9 जा 81, मीन्स ये 9 आ जाएगा, माइनस तो रहेगा, ये 9 आ जाएगा, और 5 5 जा 25, इसका भी रूट हट गया, P अपन Q के फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसको P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 9/5 P अपन Q, ये भी 9 है तो 9 9/1 25 25/1, सब P अपन Q के फॉर्म में इनको लिख ले रहे हैं, ये रैशनल नंबर हो गया। ओके नेक्स्ट देखो फिफ्थ, 3.2323233, ये कैसा है बताओ। मैंने आपको तीन प्रकार का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताया था, तीन प्रकार का, पहला था टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाता है, दूसरा टर्मिनेट नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट होता है, लेकिन रिपीट होता है। तो ये जो दोनों फॉर्म है ये रैशनल होते हैं, टर्मिनेट हो गया तो भी रैशनल, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है, देखो 2323 रिपीट हो रहा है, मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। रूल्स फॉर्मूले ये सब याद करना पड़ेगा, है ना। तो पिछले सेशंस में मैंने बता दिया है आपको, आपको याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो फिर से घर में जाओ पढ़ो रिवाइज करो, रूल्स याद नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसमें मैंने बताया है, देख के पता चल जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये, नॉन और रिपीटिंग, 2 3 2 3 2 3 2 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो होता है ये रैशनल नंबर होता है। तो यहां पे तुम लोग लिख सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज रैशनल नंबर, अपन लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग इक्वल टू रैशनल नंबर। ओके फिफ्थ क्या हो गया, रैशनल नंबर, क्योंकि नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, आगे तक जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आगे तक जा रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है, रिपीट हो गया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है वो रैशनल नंबर होता है ना। ओके नेक्स्ट सिक्स को देखो, नेक्स्ट जो है सिक्स क्या है, इसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। लुक हियर, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डैश 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 मींस आगे तक जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको पहचानना है। लुक हियर, 7 0 7 0 7 0 7 4 0 7 5 0 7 6 0, तो रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब अगर
सेवन जीरो लिखोगे इसके बाद बार लगा सकते हैं क्या? सेवन जीरो नहीं, सेवन जीरो सेवन जीरो तो हो नहीं रहा है, इसके ऊपर लगा सकते हैं क्या? सेवन डबल जीरो सेवन डबल जीरो सेवन डबल जीरो नहीं, क्योंकि डबल जीरो ट्रिपल जीरो हो गया। मीन्स अपन बार भी नहीं लगा सकते किसी के भी ऊपर, तो टर्मिनेट तो नहीं होगा, रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों में जब एन रहता है टर्मिनेट भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इरेशनल नंबर। ये है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था ये, इसलिए इरेशनल हो गया, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर। ओके, सो वी हैव शोन विच आर रैशनल नंबर एंड विच आर इरेशनल नंबर। इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर अलग अलग करना आ गया, ठीक है? प्रैक्टिस करो, और इसके बाद नेक्स्ट वो क्वेश्चंस होते हैं ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर, ओके, वो अपन इसके बाद वाले सेशन में देखेंगे, ठीक है? इसकी लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।